तो इस हफ्ते काफी सारे अपडेट्स हैं जिसे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस हफ्ते नेटफ्लिक्स ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं, साथ ही डिज्नी प्लस के कुछ शोज के भी अनाउंसमेंट किए गए हैं और इसके अलावा इस हफ्ते कुछ ट्रेलर भी रिलीज किए गए हैं। तो अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। भले ही ये मंथ नेटफ्लिक्स व्यूअर्स के लिए कुछ खास नहीं रहा, लेकिन इस हफ्ते नेटफ्लिक्स ने अपने आने वाले सीरीज और फिल्म्स को लेकर बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं, जिसमें सबसे पहले नेटफ्लिक्स ने मनी हाइस्ट कोरियन रीमेक का एक टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया है। लगभग एक महीने पहले ही हमने मनी हाइस्ट का फिनाले देखा और अब नेटफ्लिक्स ने मनी हाइस्ट के साउथ कोरियन रीमेक मनी हाइस्ट कोरिया ज्वाइंट इकोनॉमिक एरिया का टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया है और इस सीरीज को इसी साल रिलीज किया जाएगा। ट्रेलर्स की बात हुई है तो आपको बता दे कि नेटफ्लिक्स ने रेजिंग टू ऑल ऑफ अस आर डेड और वाइकिंग्स का भी ट्रेलर रिलीज कर दिया है। रेजिंग डॉन सीजन 2 को अगले महीने 1 तारीख को रिलीज किया जाएगा, ऑल ऑफ अस आर डेड को इसी मंथ 28 तारीख को रिलीज किया जाएगा और वाइकिंग्स वेलहेला को अगले महीने 25 तारीख को रिलीज किया जाएगा। नवंबर में रिलीज हुई रेड नोटिस के सक्सेस के बाद ऐसा दिख रहा है कि नेटफ्लिक्स प्लान कर रहा है इस फिल्म फ्रेंचाइज को बढ़ाने का। डेडलाइन के अकॉर्डिंग करंटली 2 रेड नोटिस फिल्म डेवलपमेंट में है और एक बार फिर से हमें रायन रेनॉल्ड्स, ड्वेन जॉनसन और गैल गैडोट इस फिल्म के लिए वापसी करते हुए दिखेंगे। नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया है मर्डर मिस्ट्री कॉमेडी मर्डरविल, जिसे नेक्स्ट मंथ 3 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। ये सीरीज बेस्ड है इनक्रेडिबली सक्सेसफुल बीबीसी की मर्डर इन सक्सेसविल पर, जिसे 2015 में रिलीज किया गया था। हाई प्रोफाइल एक्शन डायरेक्टर्स माइकल बे, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स डायरेक्ट किया, गैरेथ इवांस, जिन्होंने द रेड जैसी फिल्म डायरेक्ट की, और पैट्रिक ह्यू, जो एक्सपेंडेबल्स और द हिटमैन बॉडीगार्ड जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। ये तीन डायरेक्टर मिलकर नेटफ्लिक्स के लिए द रेड फिल्म लेकर आ रहे हैं। इससे पहले द रेड की 2 फिल्म रिलीज हो चुकी है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर ये आने वाली फिल्म रीइमेजिन होगा द रेड फिल्म का, यानी कि इस फिल्म को नए तरीके से बनाया जाएगा। नेटफ्लिक्स ने फाइनली द एडम प्रोजेक्ट का रिलीज डेट अनाउंस कर दिया है। साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म द एडम प्रोजेक्ट इस साल 11 मार्च को रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म के कुछ फोटोज भी रिलीज किए गए हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली डिसाइड किया है एमिली इन पेरिस के 2 और नए सीजन बनाने का, यानी कि अब हमें सीजन 3 और सीजन 4 भी कंफर्म कर दिया गया है। वैरायटी के अकॉर्डिंग 2011 में रिलीज हुई रियल स्टील की सीरीज डिज्नी प्लस पर डेवलपमेंट में है। इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक कोई भी राइटर और ना ही किसी प्लॉट के बारे में बताया गया है। ये सीरीज डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में है और जल्द ही इसके बारे में और भी अपडेट्स दिए जाएंगे। डिज्नी प्लस ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि गोल्डन ग्लोब विनर टिम एलन को साइन कर लिया गया है अपने आइकॉनिक रोल स्कॉट कैल्विन के लिए एक ओरिजिनल लिमिटेड सीरीज, जो कि बेस्ड होगी क्लासिक हॉलीडे ट्रायलॉजी सेंटा क्लॉस पर। इससे पहले द सेंटा क्लॉस की पहली फिल्म 11 नवंबर 1994 में रिलीज की गई थी। उसके बाद इसके 2 और फिल्म रिलीज किए गए थे। आपको बता दें कि डिज्नी प्लस की सीरीज का प्रोडक्शन इस मार्च से स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस मार्च रिलीज होने वाली हाईली एंटिसिपेटेड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मून नाइट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मून नाइट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं गोल्डन ग्लोब विनर ऑस्कर इसाक। फाइनली हमें द लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज का फर्स्ट लुक टीजर देखने को मिला। हाईली एंटिसिपेटेड द लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज का टाइटल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर रखा गया है। इस सीरीज को इसी साल 2 सितंबर को Amazon Prime पर स्ट्रीम किया जाएगा। इसके अलावा इस हफ्ते कुछ ट्रेलर भी रिलीज किए गए हैं। द मैन हू फेल टू अर्थ, डेथ ऑन द नाइल का एक स्पेशल लुक, द बॉयज के स्पिन ऑफ एनिमेटेड सीरीज डायबॉलिकल का एक टीजर ट्रेलर और रेज्ड बाय वुल्व्स सीजन 2 का एक ट्रेलर। पैरामाउंट प्लस की लिमिटेड सीरीज द ऑफर का प्रीमियर डेट अनाउंस कर दिया गया है। इस सीरीज को इसी साल 28 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा, जिसका एक अनाउंसमेंट वीडियो और एक पोस्टर भी रिलीज किया गया। एक तरफ मार्वल एक के बाद एक हिट दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डीसी काफी मुश्किल में है और कहा जा रहा है कि डीसी की आने वाली 2 बड़ी फिल्में द फ्लैश और बैट गर्ल डीसी के यूनिवर्स को बदल कर रख देगी। बैट गर्ल के कुछ सेट फोटोज सामने आए हैं, जिसमें हमें रॉबिन के कुछ हिंट्स दिए गए हैं और साथ ही लेक्स लूथर का रेफरेंस भी दिया गया है। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ मेजर अपडेट्स जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया।